गाइस हार्दिक पांड्या आए हैं इस साइड अभी, तो गाइस आप लोग को कोहली से मिलाती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारे रायपुर में क्रिकेट मैच है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का, हमें बहुत मुश्किल से पास मिला है। विराट कोहली ना उनके पैर में दर्द हो गया तो नितेश खेलेगा आज। तो बोल गए यार नितेश भाई, थोड़ा एक और सॉरी एक इनिंग खेल दोगेगा। चलो देखता हूँ, मैं सोचूंगा। तो विराट कोहली क्या बैकअप के लिए वो आ गया है, बाद में आए, इंडियन टीम के साथ नहीं आए। नहीं नहीं आ गए, बाद में आए, टीम में आ गए। बोला है नितेश भाई अगर आप खेलोगे तो मैं बैठ जाऊंगा, अगर आप नहीं खेलोगे तो फिर उतर जाऊंगा, मैं क्या करूंगा। तो मैं शूट कर रही थी एयरपोर्ट में, तो फिर ना सब लोग मेरा शूट देख रहे थे, अचानक से मेरा शूट छोड़ के ना भागने लगे एकदम एयरपोर्ट साइड में। मतलब क्या हो गया, फिर पता चला इंडिया टीम आया है पूरा, तभी मुझे पता चला। और फिर हमने निकाला टिकट, टिकट का क्या सीन है बताओ एक बार। टिकट ना भाई, क्या बोलो तुम लोग को, 4,000 रुपए देके टिकट लिया। और वो भी कैसा मिलेगा, वो भी टिकट सुनो कि कहाँ पे। तो तुम लोग बोला कि नितेश भाई रहन दो यार, खड़े हो जाओ। टिकट ऐसा है कि जो पहले जाएगा वो जहां मर्जी वहां बैठेगा, तो तुम आखिरी में गए तो तुम्हारी किस्मत में नसीब में अगर नहीं है सीट तो वहां पे सीढ़ी में खड़ा रहना पड़ेगा। दोस्त लोग मेरे को पूरा कैसे कवर करके लेके गए मालूम। सो गाइस हम निकल चुके हैं स्टेडियम के लिए, और हमारे सारे जो प्लेयर्स है वो यही पे है, रायपुर में ही है, 2 दिन पहले से ही आ चुके हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मैच देखने के लिए, आप लोग कितना एक्साइटेड हो बताओ। मैं पहली बार लाइव देखूंगी क्रिकेट, इतने दिनों से मैं बस टीवी पे देखी और जब भी देखी हूँ हार गए हैं इंडिया, इसलिए मैं आज मैं मेरे को डर लग रहा है कि हम जाए कि नहीं देखने के लिए, कुछ ऐसा ना हो जाए। लेकिन नहीं, इंडिया जीतेंगे, पहले से जीत गए मैच इंडिया। हार्दिक भाई फोन किया रात को पार्टी है, क्लब में बोला है मेरे को, बोले नितेश भाई एक इंडिया टीम के साथ ना नितेश का थोड़ा सेटिंग है, समझ लो। अभी टिकट देखो कैसा दिलाया है लोग को, एकदम हार्दिक भाई के बाजू में बैठेंगे, ऊपर वाला रो एकदम वीआईपी, खाने पीने का व्यवस्था भी। हार्दिक भाई बैठते नहीं, खेलते हैं। नहीं अभी पहले बैठेंगे ना, अभी ऊपर में कपड़ा वपड़ा चेंज करेंगे। हाँ, काश उसी वही साइड में ही मिले ना हमें, मजा आ जाएगा। अरे जर्सी पहन के चला जाऊंगा मैं मैच। विराट कोहली भैया, विराट कोहली चाहिए। सब खत्म हो गया, विराट कोहली पहन के चला गया अपना जर्सी, सब खत्म हो गया। अब मैं क्या पहनूंगा, अब तुम झंडा ऐसे उड़ लो भैया, लाओ ना। आप क्या पहने, दिखाओ किसका पहने हो आप। तो विराट का पहना है लेकिन उतार 18 नंबर का जो विराट का जर्सी है वो मिल गया है, बहुत मुश्किल से मिला है यहाँ पे। देश हार्दिक का पहन रहा है, हार्दिक पांड्या, क्योंकि सेम लगते हैं ना, तुम जर्सी पहना सेम लोगोगे। ऐसा नहीं दिना, चल चल पता नहीं चले। गाइस भारी सीन हो गया हमारे साथ, हम यहाँ आए हैं और पैसे नहीं लेके आए कैश, क्योंकि हम कहीं भी जाते ऑनलाइन कर देते हैं। और फिलहाल यहाँ पे क्या हुआ है नितेश भाई, हम लोग को ना कैश की जरूरत थी, पार्किंग वाले को भी पैसा देना, क्योंकि यहाँ पूरा एरिया में ना नेटवर्क गायब कर दिया है इनने। तो फिर हमें हम कैश भी नहीं लाए, फंस गए। फिर एक जो वो लगाते हैं ना झंडा, क्या बनाते पहले एक जन, नहीं पहले एक जन क्या ना, एक बंदा जो पर्ची काट रहा है ना उसके पास गया जाके, मैं बोला भैया यार थोड़ा, उसको लग रहा भीख रहा भीख मांग रहा हूँ। मैं बोला अरे भैया मैं आपको फोन पे कर रहा हूँ, मेरे को पैसा दे दो। कि बोलते कितना करना है, मैं बोला आप जितना कर बोला, 1,500, 2,000, 5,000, 10,000 कितना करना है दे दो। बोलता भाई 500 होगा मेरे पास, दो दो दो। तो गाइस देखो मैंने पहना है विराट कोहली का, और आज कोहली मारेगा, देखते हैं कितना मारता है। लास्ट मैच में तो उसने 200 मारा था, और इतनी क्राउड है, इतना ज़्यादा क्राउड है कि डर लग रहा है। मुकुल तो मास्क निकाल ही नहीं रहा है, तो अपन चलते हैं अभी उधर। मत निकालो, क्या मत निकालो सब ऐसे मास्क काफी लिया, मुंह को पूरा पैक कर दूं, पूरा मतलब मुंह हट गला यहाँ तक घर पे छोड़ के आऊं। इतना ज्यादा ये सब लगा रखा है हमने, फिर भी हम पहचान आ जा रहे हैं, थैंक यू उसके लिए। और यहाँ हमने वहाँ रख दिया है पार्किंग में गाड़ी, और पार्किंग से 500 मीटर कह दी, बोले हैं कि दूर जाना है, लेकिन 500 मीटर से ज्यादा दूर जाओ, पैदल हम लोग चल चुके हैं, और अभी और जाना है आगे। भीड़ देखो गाइस, भीड़ अभी तो और आएगा, किस टाइप का भीड़ है, अभी तो आएगा। तो हम आ चुके हैं स्टेडियम में, खाली है ग्राउंड, तो अभी तक आया नहीं मतलब ना। चलो फिर ठीक है, हो गया हमारा, तो जगह ही नहीं है। Thank you.
हार्दिक पांडे आए हैं इस साइड अभी। गाइस मेरे को हार्दिक पांडे चाहिए था, मैं इसको देखने के लिए आई थी और ये मेरे ही साइड में हमारी साइड में है बस, और क्या चाहिए। मेरे मैं कहाँ तक कैसे दिखी हूँ गाइस। फाइनली हम उधर से इधर आ चुके हैं जहाँ पे धूप नहीं है उतना, और यहाँ से हमें अच्छे से दिख रहा है, तो मैं आप लोग को भी दिखाती हूँ यहाँ से। अब देखो गाइस प्रॉपरली दिख रहा है अच्छे से चीजें। थैंक यू सर। गाइस इधर इधर से प्रॉपर अच्छे से दिख रहा है, और आप लोगों को भी मैं दिखाऊंगी। गाइस आपका फेवरेट प्लेयर कौन है यहाँ से आप देख के मुझे कमेंट में बताओ। गाना क्या चल रहा है वो तो देखो एक बार, और स्टेडियम कैसा भरा हुआ है, बाप रे ऐसा पूरा ऐसा लग रहा है पूरा छत्तीसगढ़ की पब्लिक यही आ चुकी है। अब मजा आ रहा है मुकुल गाना देखो घंटा उनका बैटिंग खत्म हुआ और अब है इंडिया की बैटिंग। सो क्या ही मारेंगे क्योंकि 100 रन बना है सिर्फ, ये तो अकेले ही कोई एक जन आके मार देगा हमारी टीम का, है ना। लेकिन इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होती हूँ मैं, पता नहीं क्या होगा, अभी स्टार्ट होने वाला है। ऐसा मन हो रहा था कि मैं दूसरे टीम से जाकर थोड़ा बैटिंग करके रन बना के आऊं। बेचारों को थोड़ा तो तरस आ रहा था सच में, वो लोग पता नहीं आज उनका दिन नहीं है या खेल नहीं पा रहे। 20 ओवर में तो 32 रन था 20 ओवर में भाई, फिर 100 तक खींचे हैं कैसे करके। आ रहे हैं भाई सामने। अब खेलने जा, अब उतरेंगे वो, इनको बुलाया है पुलिस वाले उधर पे। इधर देखो ये सब काफी उठे हैं। अरे गाइस आज ही पहली बार हमें पता चला है कि दोनों साइड से बॉलिंग होता है, इससे पहले टीवी में देखते थे तो ऐसा लगता था कि एक ही साइड से बॉलिंग होता है, आज पता चला कि उधर से भी होता है और इधर से भी होता है। मेरे को भी आज पता चला यार, पहली बार क्रिकेट देखने आया हूं। कोई बात नहीं मुकुल, कोई बात नहीं, 7 बॉल होता है, 1 बॉल नो बॉल भी होता है, व्हाइट बॉल भी होता है। क्यों भाई? मेरे को लगा था क्योंकि 7 डेज होता है ना, इसलिए 7 बॉल। अच्छा हुआ 12 बॉल नहीं बोला क्योंकि 12 महीना होता है ना। और अच्छा हुआ 365 दिन नहीं बोले, साल हो जाता है। ऐसे फिर 365 ओवर हो जाता है। गाइस एक बच्चा घुसा है तो इधर
मैच खत्म होने वाला है, और ये दोनों भाई मिल के ही मैच खत्म कर दे रहे हैं। खाली हम यहाँ बैठे बैठे नीचे पूरा हम ही लोग का चिप्स है, पूरा चिप्स चिप्स कर दिए, चिप्स कर दिए नीचे, भाई खत्म ही नहीं कर रहे, आउट ही नहीं हो रहे हैं ये लोग, आउट ही नहीं हो रहे। हम लोग जिनको देखने के लिए आए थे वो लोग बैटिंग पे ही नहीं आएंगे यार। और इधर जो सीन हुआ आप तो देख ही होंगे, बच्चा कूद के चला गया स्टेडियम के अंदर, रोहित को गले पकड़ के गिर अंदर, ये भी जाना चाहता है। मजा आएगा भाई, मैं बता रहा हूँ मजा आएगा, उसका जो मार पड़ेगा ना, दो तीन थप्पड़ यार क्या फर्क पड़ता है, दो तीन थप्पड़ नहीं है वो, मतलब गोल गोल घूमूंगा मैं पीछे से, उसको भी लेके आना आना ना जैसे, अरे हो जाऊंगा अंदर एक दिन के लिए यार। तो गाइस क्राउड अभी पूरा फुल हो चुका है, क्या क्राइम किया हूं बोलूंगा भैया, वो पीछे वाले धक्का दिया गिर गया अंदर, डॉल लगा दिया मैंने भी भूत दे दिया, बोलूंगा भैया याददाश्त भूल गया था। हार्दिक पांड्या भी आ जाए फिर मैं रात भर देख सकती हूँ।